हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है? ये हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, ठीक है? तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको, ठीक? और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है स्वाद विद स्वाति से भी जुड़िए, और वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग, देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपके लिए। और इसके साथ ही जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है? The High Priestess, The Hierophant, the Hanged Man, the Emperor, Four of Wands। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, दूसरे डेक से भी मैं कार्ड निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट साइन जो है आपका, आपके पर्सन के लिए पहला साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है? और एरीज, लियो, सैज भी है मेरे पास, ठीक है? तो अभी मेरे पास इतने ही एलिमेंट्स हैं, इतने ही साइन अवेलेबल हैं, ठीक है? तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कार्ड्स में, आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, तो देखो, तो देखो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द महसूस कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं अभी इनके दिल में। ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों के बीच में ये जो तकरार हुई है, आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन टाइम है, आपके पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन जो है उस चीज़ को झेल रहे हैं, मतलब जो आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई हैं, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, आपके पर्सन के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ये तूफ़ान मचा हुआ है, ठीक है? आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है ये, और ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके जो कार्ड्स हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके जो पर्सन हैं बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक, ठीक है? और उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना आगे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है ना? इनके दिल में वही है कि दर्द से तड़प रहे हैं, तकलीफ से तड़प रहे हैं ये पर्सन। इस तरह की जो है ना एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आती है। इनके दिल में यही चल रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और एक होता है ना कि होप टूट जाना, है ना? तो आपके पर्सन का यही होप जो है ना टूट चुका है। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि शायद अब जो है हमारा रिलेशनशिप शायद कंटिन्यू हो पाएगा, शायद, यानी कि श्योर नहीं है ये पर्सन, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आपके पर्सन का, ठीक। और इनके दिल में ये भी चल रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, या आपके पर्सन टैरो कार्ड रीडर हैं, तो
तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि उसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, उसे पूरी तरह से पता होगा, क्योंकि उसकी इंट्यूशंस उसको जो है ना गाइड करती हैं, उसको उसकी इंट्यूशंस उसको बता देती हैं कि हाँ मैं किस हाल में हूँ, मैं अभी इस दर्द में हूँ, मैं इस तकलीफ़ में हूँ। तो उसे भी कहीं ना कहीं वो एहसास होता होगा, उसे वो बेचैनी महसूस होती होगी, जो मेरा मेरे दिल का दर्द है, जो मेरे दिल की तकलीफ़ है, वो मेरा पर्सन पूरी तरह से जो है ना समझ रहा होगा। ठीक है, इनके दिल में यही चल रहा है कि आप इनकी तकलीफ़ को, आप इनके दर्द को बहुत अच्छे से है ना समझ रहे होंगे, और आपको कोई ना कोई जो है ना यहाँ पे सपने आए होंगे, या फिर आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, एक बेचैनी सी हो रही होगी आपके पर्सन के दिल में, ये चल रहा है आपके लिए। ठीक है, वहीं आपके पर्सन मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन किसी से, इनके दिल में ये चल रहा है कि मैं जो है ना किसी से बात करता हूँ, हम दोनों का जो रिलेशनशिप है इसको सही करने के बारे में किसी से गाइडेंस ले लेता हूँ, किसी से बात करके जो है ना सारे सिचुएशन को देखता हूँ कि हाँ वो क्या कहते हैं, उनकी एडवाइस क्या है, अगर उनकी एडवाइस सही हुई तो मैं उनके एडवाइस के अनुसार से चलना स्टार्ट करूँगा, है ना। तो आपके पर्सन के दिल में चल रहा है किसी से एडवाइस लेने का, किसी से सजेशन लेने का, ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन हैं ये वापस आने के बारे में एडवाइस लेने वाले हैं, यहाँ पे आपसे शादी करने के बारे में एडवाइस लेने वाले हैं। इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं आगे फ्यूचर में जो करने वाला हूँ, जो उसके लिए एक्शन लेने वाला हूँ, उसके लिए कम से कम एक एडवाइस ज़रूर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपने किसी टीचर से, अपने किसी ऐसे पर्सन से जो इनके दिल के बहुत करीब है, जो इनको काफ़ी अच्छे सजेशंस देता है, ठीक है, उसके बारे में आपके पर्सन मतलब उस पर्सन से जो है आपके जो पर्सन है बात करने के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल में ये चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही ये पर्सन कभी कभी जो है ना इस पर्सन के दिल में ये भी हो रहा है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना जल्दबाजी में चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को और टाइम देना चाहिए। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि थोड़ा सा मुझे और टाइम देना चाहिए और तब जो है इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि मैं स्टक हूँ, मेरी फीलिंग स्टक है और मेरा पर्सन भी स्टक है, हम दोनों ही इस रिलेशनशिप में स्टक हैं एकदम से, ना वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, ना मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है हम दोनों के बीच का ये बंधन कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है ना आ नहीं पा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके पर्सन के दिल में एक होप भी है, लेकिन फिर जो है ना स्टक हो जा रहे हैं आपके पर्सन के तक आपके पर्सन के अंदर आपके पर्सन का दिल जो है ना बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है ये पर्सन। और इसके साथ ही द हायरोफेंट द एम्परर की भी एनर्जी है और द हायरोफेंट की भी एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है कि मैं क्या करूं। ठीक है, एक तरफ से मैं स्ट्रिक्ट होता हूं, मैं इसको ईगो दिखाता हूं, मैं अपना उसको गुस्सा दिखाता हूं, तो मुझे कुछ और ही समझ लेगा या समझ लेगी, है ना, क्योंकि उसे तो सिर्फ मेरा ईगो दिखता है, मेरा गुस्सा दिखता है, मैं वो ये नहीं देख पाता है या वो नहीं देख पाती है कि इसके पीछे जो है, इसके पीछे जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग करके अपने पर्सन के लिए सोचते हो। आपके पर्सन के दिल में भी यही चल रहा है कि मैं जो करूँगा वो मेरी बातों को मानेगी, बट थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे स्टक महसूस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, आपके पर्सन ये ही इनके दिल में चल रहा है। इसके साथ ही फोर ऑफ वैंड्स आपके पर्सन का फिर अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे इनके दिल में चल रहा है मैरिज के प्रपोज़ल का, न्यू बिगनिंग का, फिर से बैलेंस बना के चलने का, फिर से इंजॉय करने का, फिर से आप दोनों का एक दूसरे का साथ पाने का। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में फ़िलहाल तो मुझे कार्ड से ही बताते हैं इस एनर्जी में है आपके पर्सन। ठीक है, एक एक तरीके से कहा जाए तो न्यू बिगनिंग के फेज़ में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो और कार्ड्स देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग, इनके दिल में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे भी तो कब तक लेंगे ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो दूसरे कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड में।
प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके एट ऑफ सॉर्ड्स। द लवर्स। वाओ द लवर्स। ठीक है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके क्या चल रहा है इनके दिल में। ओ माय गॉड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। अगेन थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं कार्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है तो आपके पर्सन मुझे दिखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं इनके दिल में यही चल रहा है। एक तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन या तो वीडो हैं या फिर तलाकशुदा हैं। ठीक है ऐसा मुझे नज़र आता है। ठीक है और एक ऐसा इनके दिल में ये भी चल रहा है कि क्या मैं जो इतने एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहा हूँ, जो इतने एफर्ट्स मैं डालूँगा तो क्या इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ठीक है आपके पर्सन के दिल में जो है ना ये भी चल रहा है। ठीक है और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है और यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आपके जो पर्सन हैं एक दर्द भरे एहसास के साथ जी रहे हैं। इनके दिल में चल रहा है ये दर्द ये तकलीफ़ ये जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना आपके जो पर्सन हैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि स्टक हो जाना है ना अपने आप को ब्लेम करना। आपके पर्सन के दिल में अपने आप को ही ये पर्सन जो है ना कोस रहे हैं। ठीक है कोस क्यों रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो किया है इनको लगता है कि नहीं मेरे साथ जो हुआ है और मैंने जो किया है वो गलत है वो मेरे साथ जो है ना या मैंने जो किया है अपने पर्सन के साथ वो सही नहीं है। इनके दिल में ये चल रहा है तो अपने आप को ही जो है ना ये कसूरवार समझते हैं। जो जो इनका ये जो दिल टूटा है ये जो तकलीफ़ है ना जो तकलीफ़ हो रही है ये जो दर्द महसूस कर रही है पर्सन ये खुद ही जानते हैं कि इस दर्द का कारण मैं हूँ। ठीक है इनके दिल में ये चल रहा है। इसके साथ ही ये पर्सन को ये भी एहसास हो रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हम दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। हम दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लेम किया। हम दोनों ने ही एक दूसरे को जो है चीट किया है ना। तो आपके जो पर्सन हैं यही इनके दिल में चल रहा है कि इतना प्यार रहते हुए इतना अट्रैक्शन रहते हुए एक दूसरे को इतना जानते हुए भी हम दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया। हम दोनों ने किसी तीसरे पर्सन की वजह से अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। हम दोनों ने जो है ना किसी तीसरे के कारण से अपना जो एक एक होता है ना कि इतना अच्छा प्यार अपना ये कहते हैं कि होता है ना कि एक अटैचमेंट है ना तो वो अटैचमेंट हम दोनों के बीच में जो है ना ये ख़त्म होती गई किसी तीसरे के कारण से। ठीक है तो आपके जो पर्सन हैं इनके दिल में यही चल रहा है कि ये सारी सिचुएशंस ये सारे जो हुए हैं चीज़ें है ना ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसको ब्लेम किया है मैंने ही उसको तकलीफ़ दी है मेरा ही ईगो उसके ऊपर जो है ना मैं ही जो है अपना ईगो दिखाता रहा मैं ही अपने जो है एक कहते हैं कि ऑर्डर है ना मैं ही अपना ऑर्डर जो है ना उसको देता रहा और वो बेचारा या बेचारी मानती रही इस बात को। ठीक है मैं जो कहता था वो मानती गई और फिर जो है अचानक से फिर देखो क्या हुआ हम दोनों अलग हो चुके हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना तड़प रहे हैं। ठीक है तो इनके दिल में तो मुझे दिख रहा है वो तड़प वो तरस है ना
जो आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए तड़प भी रहे हैं, तरस भी रहे हैं। तो यहाँ पे इनके दिल में यही चल रहा है कि ये सारी सिचुएशंस क्यों आई हैं हम दोनों के बीच में। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार, इतना जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए थी, ये सब ख़त्म हो गई है क्या? आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि क्या ये सब ख़त्म हो गया है? क्या ये फिर से स्टार्ट नहीं हो सकता? क्या ये हम जो है फिर से न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते क्या, है ना? तो इस पर्सन के दिल में जो है ना, मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि इस पर्सन के दिल में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चल रही हैं, ठीक है। देखते हैं और कि आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है, इस कार्ड से भी देखते हैं, ठीक है। साइकिक टैरो कार्ड से भी देखते हैं, ओरेकल डेक है ये, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस यूनिवर्स गाइड में, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके दिल में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि इस पर्सन के पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न का मुझे नज़र आता है आपके पर्सन के दिल में जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो कन्फ्यूज़न है ना, एक क्लियरिटी नहीं। एक होता है ना कि हाँ क्लियरिटी होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जब हमें क्लियरिटी होती है तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि ये जो है क्लियरिटी क्यों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यों मैं जो है ना उसके लिए क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो पर्सन हैं ये एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि आंखें बंद करके और सोचना है ना, चीज़ों को कैसे होता है, आंखें हम बंद करते हैं तो हमारे सामने चीज़ें जो है ना एकदम से चलने लगती हैं, है ना। तो आपके पर्सन के दिल में जो है ना यहाँ पे यही सारी सिचुएशंस चल रही हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसलिए भी आपके पर्सन जो है ना मुझे यहाँ पे एक क्लियर डिसीजन पे पहुँचते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके पास जो चॉइसेस हैं उसके लिए, ठीक है, ये हर किसी को जो है ना अच्छा समझते हैं, हर किसी को, ठीक है। इनके पास जो भी मतलब कि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को भी, थर्ड पार्टी के लिए भी ये सोच रहे हैं, आपके लिए भी सोच रहे हैं। तो एक क्लियर डिसीजन जो है ना ये सोच करके नहीं निकाल पा रहे हैं कि हाँ मुझे जाना है तो किस तरफ जाना है। इनके दिल में यही सारी सिचुएशंस चल रही हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, है ना। तो वाइजली थिंकिंग करने के लिए जो है ना यहाँ पे आपके पोर्शन को कहा जा रहा है। देखिए क्या करते हैं देखते हैं कि आपके पोर्शन के दिल में और क्या चल रहा है। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट करना होगा, अपने आप को। जो ये परेशान मुझे चीज़ें कर रही हैं, ये जो मेरा दिल तोड़ रही हैं, जो मेरी मुझे तकलीफ़ हो रही है, इससे खुद को निकालने के लिए मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होना पड़ेगा। मुझे ईश्वर से ईश्वर की तरफ कनेक्ट होना पड़ेगा, अपना झुकाव जो है उनकी तरफ करना होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की बात कही जा रही है आपके पर्सन की, यानी कि इनके दिल में चल रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा जो है ना दान दक्षिणा और बाबा से या फिर कहे तो किसी पंडित से, है ना, मिलना चाहिए, उनसे जो है ना यहाँ मुझे बात करनी चाहिए, अपने मन को शांत कैसे रखें, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है ना आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि मैं ऐसे परेशान और ऐसे दिल तोड़ करके, दिल दुखा करके जो है ना मैं नहीं रह सकता, तो थोड़ा सा मुझे खुद को हील करना पड़ेगा, आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ईश्वर बनाए आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये रीयूनियन आप दोनों का हो जल्द से जल्द। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि आप दोनों का जो है ना कनेक्शन जल्द से जल्द बनेगा भी, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है। इसके अनुसार से मैं देखूँ अगर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन का, तो नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ना बहुत जल्दी जो है ना नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में ये थिंकिंग करेंगे, ठीक है।
फिर भी मैं एक बताऊं तो कब तक ये पर्सन जो है एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या इनके दिल में आ रहा है, तो इनके दिल में नंबर 3 आ रहा है, 3 days 3 weeks 3 month। ठीक है, 3 days 3 weeks 3 month में आपके पर्सन का जो है ना ये नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इनके दिल में जो ये थाट्स आ रहे हैं, जो इनकी क्लियरिटी नहीं है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये ख़त्म होने में ठीक है अभी आपके पर्सन को टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन के जो कि देखना ज़रूरी है आप लोगों की खुशी के लिए। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात क्या है जो वो आपको कहना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस हो गए हैं मेरे पास, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे है यू ट्रस्ट मी लाइक योर प्रिंसेस। ठीक है, ओके, ओ यू ट्रीट मी है, यू ट्रीट मी, ठीक है, सॉरी, आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, यू आर ऑनेस्ट विथ मी, ओके, इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। गुस्से में भी अच्छे लगते हो, वाओ। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू डैट वुड बी इनफ। ओके, हाउ यू वर्प योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ डैट मेक मी फील सिक्योर। ओके, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। आपकी आंखों में डूब जाते हैं वो, वाओ। वी कैन चैट फॉर एवर। ओके, यू कंप्लीट मी। आप कंप्लीट करते हो उनको, वेरी नाइस। योर पेशेंस इज अनरियल, मतलब कि आप इतने टाइम से पेशेंस रखे हुए हो, इनको भरोसा ही नहीं होता, वाओ। अविश्वसनीय है। तो यहाँ पे ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, शॉर्ट रीडिंग होगी अगली रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।